दोस्तों, दुनिया के जितने भी बेस्ट एथलीट्स, डॉक्टर्स, आर्टिस्ट, एंटरप्रेन्योर्स और लॉयर्स हैं, इन सब का सीक्रेट है ग्रिट। वर्ल्ड क्लास स्किल्स और ग्रेट परफॉर्मेंसेस के पीछे भी यही सीक्रेट है। आप अगर एक पैदाइशी टैलेंटेड पर्सन नहीं है तो कोई बात नहीं, आप चाहे जो भी हो, जैसे भी हो, फिर भी आपके पास ग्रिट हो सकती है। लेकिन अब बात आती है कि ये ग्रिट है क्या। इस बुक समरी में आपको हम बताएंगे कि ग्रिट होती क्या है। इस बुक समरी से आप जानेंगे कि सक्सेस में टैलेंट का कितना हाथ है, कितना पार्ट होता है, और आपको क्लियर गोल्स की इंपॉर्टेंस भी पता चलेगी, और ये भी पता चलेगा कि लाइफ में गिव अप ना करना यानी हार ना मानना कितना जरूरी है। अगर आप भी अपनी फील्ड में बेस्ट बनने का सपना देखते हैं, अपनी ट्रू कॉलिंग का वेट कर रहे हैं और एक वर्ल्ड क्लास पर्सन बनना चाहते हैं, तो ये बुक समरी आपके लिए है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। इस किताब का पहला चैप्टर है सोइंग अप। सिर्फ 10% एप्लीकेंट्स को ही यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री एकेडमी में एडमिशन मिल पाता है, और इनमें से ज्यादातर एथलीट्स हाई स्कूल के टीम कैप्टन्स होते हैं। लेकिन इनमें से भी कई सिर्फ 2 महीने की ट्रेनिंग के बाद ही एकेडमी छोड़कर चले जाते हैं। नए कैंडिडेट्स बेस्ट प्रोग्राम से ट्रेनिंग की शुरुआत करते हैं। उन्हें रोज सुबह 5 बजे उठना होता है, फिर पूरा दिन फिजिकल एक्सरसाइज, वीपन्स ट्रेनिंग और क्लासरूम लेक्चर्स का सिलसिला चलता रहता है। दिन भर में इन्हें बस 3 ब्रेक्स मिलते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। रात ठीक 10 बजे ये सोने चले जाते हैं। इनके लिए कोई वीकेंड्स, कोई छुट्टी नहीं होती, और खाने के अलावा कोई और ब्रेक भी नहीं मिलता। इन न्यू कैंडिडेट्स को बाहरी लोगों के साथ मिलने की परमिशन नहीं होती। बीस्ट बैरेक्स की ट्रेनिंग कैंडिडेट्स को फिजिकली ही नहीं बल्कि मेंटली और इमोशनली भी ट्रेन किया जाता है। ये ट्रेनिंग इन्हें स्ट्रांग बना देती है, और यही मिलिट्री ट्रेनिंग का मतलब होता है। सोल्जर्स को इतना स्ट्रांग बना देना कि वो फ्यूचर में आने वाले चैलेंजेस का सामना कर सके। दरअसल इस ट्रेनिंग के जरिए यूएस आर्मी ये श्योर कर लेती है कि कौन गिव अप करेगा और कौन ट्रेनिंग पूरी करके ग्रेजुएट बनेगा। कई साइकोलॉजिस्ट की हेल्प से कैंडिडेट्स के लिए टेस्ट क्रिएट किए जाते हैं, जिससे ये पता चल सके कि किसके अंदर क्या क्वालिटी है और इनमें से कौन ट्रेनिंग में टिक पाएगा। लेकिन कोई भी साइकोलॉजिस्ट ऐसा कोई परफेक्ट टेस्ट क्रिएट नहीं कर पाया है। कई बार तो मोस्ट इंटेलिजेंट और एथलेटिक टाइप के कैंडिडेट्स भी ट्रेनिंग के बीच से ही चले जाते हैं। इतनी हार्ड और इंटेंस ट्रेनिंग पूरी करना सबके बस की बात नहीं है। यहां तक कि बेस्ट अचीवर्स भी हार मान जाते हैं। तो उन कैंडिडेट्स में ऐसी कौन सी क्वालिटी होती है जो ये 4 साल का ट्रेनिंग प्रोग्राम कंप्लीट कर लेते हैं? अगर ये उनका इंटेलिजेंस या टैलेंट नहीं है तो फिर क्या सीक्रेट है? मिलिट्री एकेडमी के ट्रेनर्स में से एक माइक मैथ्यूज भी हैं, और उन्होंने यहीं से ग्रेजुएशन की है। उनका कहना है कि जैसे ही एडमिशन होता है, न्यू कैंडिडेट से ऐसी चीजें करवाई जाती हैं जो उन्होंने पहले कभी नहीं की होती। माइक को याद है कि जब वो भी एक कैंडिडेट थे, बैरेक्स ट्रेनिंग के सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर ही वो भी बाकी क्लासमेट्स की तरह फ्रस्ट्रेटेड और टायर्ड फील करने लगे थे। उनमें से कुछ तो पहले ही ट्रेनिंग छोड़कर जा चुके थे, लेकिन माइक ने ऐसा नहीं किया। माइक बताते हैं कि उनके क्लासमेट्स कमजोर नहीं थे, बल्कि वो काफी स्ट्रॉन्ग, स्मार्ट और एक्टिव लोग थे। लेकिन मिलिट्री एकेडमी में इसके अलावा भी एक चीज मैटर करती है, और वो है कभी गिव अप ना करना। दोस्तों, ऑथर एंजेला डकवर्थ ने मेडिसिन, बिजनेस, लॉ, आर्ट और स्पोर्ट्स की फील्ड के मोस्ट सक्सेसफुल लोगों का इंटरव्यू लिया, और उन्होंने उनसे पूछा कि वो कौन सी क्वालिटीज हैं जो हमें सक्सेसफुल बनाती हैं। ऐसा क्या है जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोगों को बाकियों से अलग बनाता है? एंजेला ने देखा कि ऐसे कई सारे टैलेंटेड लोग हैं जो अपने करियर में बेस्ट बनने से पहले फेल हो चुके थे। एंजेला ने यह भी ऑब्जर्व किया कि ज्यादातर सक्सेसफुल लोगों की 2 कॉमन क्वालिटीज होती हैं। पहली तो ये कि वो फेल होने के बाद भी गिव अप नहीं करते, यानी आसानी से हार नहीं मानते। ये लोग अपनी स्किल्स इंप्रूव करते रहते हैं। जैसे कि एक राइटर जो स्टार्टिंग में कुछ खास नहीं लगता था, उसकी स्टोरीज मेलोड्रामेटिक और बोरिंग लगती थी, मगर उसने लिखना नहीं छोड़ा और अपने काम में इंप्रूवमेंट करता चला गया। बाद में उस राइटर ने एक काफी प्रेस्टिजियस अवार्ड भी जीता। सक्सेसफुल लोगों की दूसरी कॉमन क्वालिटी है कि वो कभी सेटिस्फाई नहीं होते। वो अपने काम में इंप्रूवमेंट करते रहते हैं, और वो तब तक करते रहते हैं जब तक कि वो उसके मास्टर ना बन जाए। एक तरह से बोलें तो उन्हें अपने काम से प्यार होता है। टास्क चाहे कितना भी फ्रस्ट्रेटिंग हो, बोरिंग या पेनफुल हो,
ये उसे पूरा किए बिना छोड़ते नहीं है। ये लोग अपने सबसे बड़े क्रिटिक्स होते हैं, इन्हें अपने काम में कोई ना कोई कमी दिखती रहती है और नतीजा ये होता है कि ये बेहतर से बेहतर करते चले जाते हैं और अपने गोल्स को लेकर ये एकदम क्लियर होते हैं। तो अगर हम इन दो क्वालिटीज के नाम रखें तो ये हैं प्रिजर्वेंस और दूसरी है पैशन। प्रिजर्वेंस है हार्डवर्क और गिर के फिर से उठना, और पैशन है पक्का इरादा और डायरेक्शन। और इन सब क्वालिटीज को हम एक नाम दे सकते हैं तो वो है ग्रिट, यानी पैशन और प्रिजर्वेंस। दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर है डिस्ट्रैक्टेड बाय टैलेंट। सक्सेसफुल होने के लिए सिर्फ टैलेंट से काम नहीं चलेगा, ऐसे कई टैलेंटेड लोग हैं जो एक लिमिट के बाद सेटिस्फाई हो जाते हैं। ये ना तो प्रैक्टिस करते हैं और ना ही कोई ट्रेनिंग, इनके अंडर परफॉर्म होने की यही मेन वजह है। दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं जो बिल्कुल भी स्पेशल नहीं लगते, उनकी स्टार्टिंग एकदम एवरेज लेवल पर होती है, लेकिन वक्त के साथ ये लोग अपनी ग्रिट की वजह से अपने फील्ड के मास्टर बन जाते हैं। बेशक इनमें टैलेंट हो ना हो, मगर अपने पैशन और प्रिजर्वेंस की वजह से इन्हें सक्सेस मिल जाती है। यहां हम डेविड लुओंग की स्टोरी लेंगे जो एंजेला के स्टूडेंट हुआ करते थे। एंजेला पहले सैन फ्रांसिस्को के एक पब्लिक स्कूल में मैथ पढ़ाती थी। उसने नोटिस किया कि जिन बच्चों का मैथ अच्छा था उन्हें क्लास में एवरेज मार्क्स मिलते थे, लेकिन जो स्टूडेंट काफी मेहनत और प्रैक्टिस करते थे वो टेस्ट और क्विज में कभी अच्छा परफॉर्म नहीं करते थे। डेविड इन्हीं हार्डवर्किंग स्टूडेंट्स में से एक था। हालांकि वो मैथ में एवरेज था, डेविड थोड़ा शर्मीला टाइप था और चुपचाप रहता था। वो बैक बेंचर था। उसने ना तो क्लास में कभी कुछ पढ़कर सुनाया और ना ही बोर्ड पर कोई प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाई। इसके बावजूद वो हमेशा अच्छे मार्क्स लाता था। एंजेला ने नोटिस किया कि डेविड बाकी बच्चों से ज्यादा फोकस्ड और इरादे का पक्का था। अलजब्रा क्लास के बाद डेविड उनसे बड़ी रिक्वेस्ट के साथ बोलता, मैडम मुझे और एक्सरसाइज करने दीजिए। एंजेला जो को डेविड में पोटेंशियल दिखा, उसने डेविड को एडवांस मैथ प्रोग्राम ज्वाइन करने को बोला। एक साल बाद एंजेला ने उससे उसकी परफॉर्मेंस के बारे में पूछा तो डेविड ने बताया कि मैथ उसके लिए डिफिकल्ट है, उसे मुश्किल से ए ग्रेड मिलता है। जब उससे कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाती तो वो अपनी टीचर की हेल्प लेता है, फिर वो उन सवालों को दोबारा सॉल्व करने की कोशिश करता है। डेविड जब ग्रेजुएट हुआ तो उसे एडवांस कैलकुलस क्लास में नंबर वन पोजीशन मिली थी। एंजेला को पता चला कि डेविड ने कॉलेज में इकोनॉमिक्स और इंजीनियरिंग ली है, फिर डेविड ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पीएचडी की डिग्री ली और आज डेविड एरोस्पेस कॉरपोरेशन के लिए काम करता है। एंजेला अपने इस स्टूडेंट पर काफी प्राउड फील करती हैं। डेविड एक शर्मीला लड़का था जिसे मैथ में कम नंबर मिलते थे, लेकिन उसके पैशन ने उसे हाई पोजीशन तक पहुंचा दिया था। कौन सोच सकता था कि डेविड एक दिन रॉकेट साइंटिस्ट बन जाएगा। उसके पास नेचुरल टैलेंट नहीं था, मगर उसके अंदर ग्रिट जरूर थी। नेक्स्ट चैप्टर है एफर्ट्स काउंट्स ट्वाइस। लोग स्पोर्ट्स में जब किसी अचीवर के बारे में सुनते हैं तो उन्हें लगता है कि उसमें जरूर कोई नेचुरल टैलेंट होगा। वो तुरंत सोच लेते हैं कि वो जरूर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा। लोग अक्सर एथलीट्स को सुपर ह्यूमन समझ लेते हैं, लेकिन ये बस कहने की बात है। स्पोर्ट्समैन के पास कोई जादू की छड़ी नहीं होती, फिर भी हमें लगता है उनके पास कोई सीक्रेट है, लेकिन उनका सीक्रेट सिर्फ एक है, ग्रिट। इनकी सक्सेस का राज है कई घंटों की लगातार प्रैक्टिस जो ये हर रोज करते हैं और हारने के बावजूद भी हार नहीं मानते। लोग बस ओलंपिक्स में इनकी परफॉर्मेंस देखते हैं, किसी को उस परफॉर्मेंस के पीछे की मेहनत नहीं दिखती। हम इनकी रोज की ट्रेनिंग नहीं देखते और ये नहीं देखते कि ये अपनी लिमिट से बाहर जाकर प्रैक्टिस करते हैं। क्या आपने ऐसे इंसान के बारे में सुना है जो डिसलेक्सिक्स होने के बावजूद एक ग्रेट राइटर बना? जी हाँ, हम जॉन इरविंग की बात कर रहे हैं। वो एक बेस्ट सेलिंग ऑथर और अवार्ड विनिंग स्क्रीन राइटर हैं। जॉन पढ़ाई में काफी कमजोर थे, इंग्लिश में तो उसे हमेशा से सी माइनस मिलता था। ग्रेजुएट होने से पहले उसे हाई स्कूल पास करने में 2 साल लगे। दरअसल जॉन को सीरियस प्रॉब्लम थी, उसे अपना हिस्ट्री असाइनमेंट करने में 3 घंटे लगते थे। उसे ठीक से वर्ड्स लिखने नहीं आते थे, कुछ वर्ड्स तो ऐसे थे जिनकी स्पेलिंग वो हमेशा गलत लिखता था। वो पढ़ता भी बहुत धीरे धीरे था, इवन अपनी फिंगर को वर्ड्स के ऊपर रखकर उन्हें पढ़ता था। उसकी इस कंडीशन की वजह से जॉन को पढ़ने लिखने में ज्यादा टाइम लगता था। वो सेम टेक्स्ट को बार बार पढ़ता था, उसे इस तरह पढ़ने की आदत पड़ गई थी। पर जॉन ने डिस्लेक्सिया को एडवांटेज की तरह यूज किया। जब वो नॉवेल लिखने बैठता था तो पेजेस को बार बार पढ़ता था, उसमें पेशेंस और प्रिजर्वेंस दोनों थे। जॉन कहते हैं कि रीराइटिंग एक राइटर का एसेट है। वो फर्स्ट ड्राफ्ट लिखने के बाद उसे दोबारा लिखता था।
यही उसकी हैबिट बन गई थी। जॉन ने 20 से भी ज्यादा नॉवेल्स लिखे, जिनमें से 5 नॉवेल्स पर मूवी भी बन चुकी है। फेमस एक्टर विल स्मिथ का नेचुरल टैलेंट पर कुछ ये मानना है, मैंने कभी भी खुद को टैलेंटेड नहीं समझा, बल्कि मैं काफी स्ट्रिक्ट वर्क एथिक में बिलीव करता हूँ। विल स्मिथ ये भी कहते हैं, बाकी एक्टर्स मुझसे बेटर या ज्यादा स्मार्ट और सेक्सी हो सकते हैं, लेकिन वो मुझसे आगे नहीं निकल सकते क्योंकि मैं कभी हार नहीं मानता। नेक्स्ट चैप्टर है हाउ ग्रिटी आर यू। एक दिन एंजेला डकवर्थ ने वाइटन स्कूल में एक लेक्चर दिया। लेक्चर के बाद एक यंग एंटरप्रेन्योर उनके पास आया। वो ग्रिट के बारे में और जानना चाहता था। उस आदमी ने बताया कि उसने एक स्टार्टअप कंपनी खोली है और इस बिजनेस से उसने कई $1,000 कमाए हैं। वो अपने गोल्स अचीव करने के लिए दिन रात मेहनत करता है, कई बार तो वो सोता भी नहीं है। उसकी बात सुनकर एंजेला काफी इंप्रेस हुई। उसने बिजनेसमैन से कहा, ग्रिट का मतलब इंटेंसिटी से कहीं ज्यादा स्टेमिना के बारे में है, और अगर तुम 2 साल बाद भी इसी प्रोजेक्ट पर रहोगे तो मुझे मेल कर सकते हो। उस आदमी ने कहा, मैं शायद अगले 2 साल कोई और स्टार्टअप नहीं करूंगा। एंजेला ने उसे बोला कि अगर तुम अपने एटीट्यूड में ग्रिट लाना चाहते हो तो जो चीज तुम कर रहे हो उसे कंटिन्यू करते रहो। चाहे तुम कंपनी चेंज कर लो, लेकिन अपना पैशन और डायरेक्शन सेम रखो, यानी एक ही इंडस्ट्री या करियर पाथ में बने रहो। एक चीज छोड़कर दूसरी चीज में हाथ डालना ग्रिट नहीं है, क्योंकि बेस्ट बनने का कोई शॉर्टकट नहीं है। जिस चीज में आपको एक्सपर्ट या एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनना है और सक्सेस अचीव करनी है, उसी चीज को आपको लंबे टाइम तक प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जिसके पास ग्रिट होती है वो अपने काम से इतना प्यार करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो कभी भी गिव अप नहीं करता। ग्रिट का मतलब नहीं है कि आप किसी एक करियर से प्यार करो, बल्कि आपको जो काम पसंद है उस काम से हमेशा प्यार करते रहो। लेकिन आपकी लाइफ का पैशन क्या है, ये आपको कैसे पता चलेगा? वॉरेन बफे बिजनेस मैन ग्रिट इसका एक सिंपल तरीका बताते हैं, जिसमें 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले एक पेपर में अपने करियर गोल्स लिखो, 25 के करीब गोल्स बुलेट पॉइंट्स में लिखो। सेकंड स्टेप, जो लिखा है उस पर फोकस करो। ऐसे 5 गोल्स चूज करो जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इन 5 गोल्स को सर्कल कर लो। थर्ड स्टेप, जो 20 गोल्स आपने सेलेक्ट नहीं किए उन्हें इग्नोर कर दो, क्योंकि ये आपकी एनर्जी और टाइम दोनों वेस्ट करेंगे। ये आपको आपके इंपॉर्टेंट गोल से भटका सकते हैं। एंजेला डकवर्थ ने ये खुद ट्राई किया है। उसे रियलाइज हुआ कि उसके 5 मेन गोल से 4 का अब कोई मतलब नहीं है, इसीलिए उन्हें इग्नोर करना चाहिए। एंजेला का अल्टीमेट पैशन था कि वो बच्चों को उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प कर सकें। आपके करियर पाथ में आपका सिर्फ एक पैशन होना चाहिए, ना कि 25 या 5, क्योंकि हमें अपनी लिमिटेड एनर्जी और टाइम बेकार की चीजों में वेस्ट नहीं करना है। जो चीज आपका फोकस है उसे अपना 100% दो, अपनी स्किल्स इंप्रूव करते रहो, फिर चाहे जो भी चैलेंज आए उसे फेस करो। इंटरेस्ट फॉलो योर पैशन, ये एडवाइस बहुत से सक्सेसफुल लोगों ने दी है। यही सेम चीज हमेशा ग्रेजुएशन स्पीच में भी बोली जाती है, वही करो जो आपको पसंद हो, या अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बनाओ। यही बात साइंटिस्ट भी मानते हैं। स्टडीज से भी पता चला है कि जब लोग अपनी पसंद का काम करते हैं तो उन्हें काम करने में ज्यादा मजा आता है। करीब 100 डिफरेंट रिसर्च स्टडीज से ये भी बात प्रूव हो चुकी है, जैसे कि अगर कोई बहुत स्पेशल टाइप पर्सन है तो उसे ऐसी जॉब बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी जहां उसे सारा दिन कंप्यूटर के सामने बैठना पड़े। ऐसे लोगों को सेल्स एजेंट या टीचर का काम सूट करेगा। इन 100 स्टडीज से एक कॉमन बात पता चली है कि जिन लोगों को अपने काम से प्यार होता है उनकी पर्सनल लाइफ भी ज्यादा अच्छी होती है। इसके अलावा ये लोग अपने काम में एक्सपर्ट होते हैं, इन्हें अपना काम पसंद होता है, इसीलिए ये बेटर परफॉर्म कर पाते हैं। ये लोग अपने साथियों के साथ ज्यादा कोऑपरेटिव भी होते हैं, अपनी जॉब में काफी लंबे टाइम तक टिक कर काम करते हैं। बेशक इनके सामने भी कई चैलेंजेस आते हैं, लेकिन ना तो ये काम छोड़कर जाते हैं और ना ही करियर चेंज करते हैं। ये लोग अपनी हर प्रॉब्लम को अच्छे से हैंडल कर लेते हैं। हालांकि स्टडीज से ये भी बात सामने आई है कि दुनिया में सिर्फ 13% लोग ही अपना पैशन फॉलो करते हैं। इसका मतलब सिर्फ 13% लोग ही हैं जो अपने काम से प्यार करते हैं, तो बाकियों का क्या हुआ? शायद ये हमारी सोसाइटी की प्रॉब्लम है कि यहाँ बच्चों को उनका पैशन फॉलो करने से रोका जाता है, जैसे कि सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग, राइटिंग या एक्टिंग, क्योंकि ये सब अच्छे प्रोफेशन नहीं समझे जाते। पेरेंट्स को लगता है कि अगर बच्चे अपना पैशन फॉलो करेंगे तो उनका कोई करियर नहीं बनेगा और वो सड़कों में भीख मांगेंगे।
लेकिन ऐसा नहीं है। कई लोगों ने अपना पैशन पूरा किया और सक्सेसफुल सिंगर, डांसर, पेंटर, राइटर और आर्टिस्ट बनके नाम कमाया। उन्हें जो पसंद था उन्होंने वही फॉलो किया, उन्होंने अपनी स्किल्स इंप्रूव की और अपने लिए एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट किया। हमें अपने बच्चों को उनके शौक पूरे करने से रोकना नहीं चाहिए, वो जो बनना चाहते हैं उन्हें बनने दें। एस्ट्रोनॉमर, प्रोग्रामर या फिलोसोफर, जो काम उन्हें पसंद हो, उसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस हमें उस काम का एक्सपर्ट बना देती है। और ऐसा ही नहीं है कि हॉबी को प्रोफेशन या पैसे कमाने का जरिया नहीं बनाया जा सकता, बिल्कुल बनाया जा सकता है। जिस काम में आप एक्सपर्ट हो उस काम के आपको उतने ही अच्छे पैसे मिलते हैं। लेकिन आपको अब तक आपका पैसा नहीं मिला तो कोई बात नहीं है, टेंशन मत लो। हर किसी को अपना यूरे का मूवमेंट मिलने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है। एग्जाम्पल के लिए स्विमिंग के ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट राउडी गैंस बताते हैं कि उन्हें बचपन में हर टाइप का स्पोर्ट्स पसंद था। हाई स्कूल में उन्होंने एक के बाद एक टेनिस, गोल्फ, बास्केटबॉल और फुटबॉल टीम ज्वाइन की। उन्होंने सोचा कि सारे स्पोर्ट्स ट्राई करने के बाद उन्हें अपनी चॉइस का स्पोर्ट्स पता चल जाएगा। राउडी ने अपनी स्विमिंग टीम भी ट्राई की। ऐसा नहीं था कि पहली बार में ही स्विमिंग से उन्हें प्यार हो गया था, उन्होंने कई बार ट्राई किया और प्रैक्टिस करते रहे। राउडी ने लाइब्रेरी में स्विमिंग के ट्रैक और फील्ड के बारे में बुक्स पढ़ी और उसके बाद उन्होंने ट्रैक और फील्ड ट्राई किया। दोस्तों, नेक्स्ट चैप्टर है प्रैक्टिस। आपको 10 साल के लिए कम से कम 10,000 घंटे की प्रैक्टिस करनी होगी, तब जाकर आप किसी फील्ड के मास्टर बन सकते हैं। ये बात कई लोगों के साथ एकदम सच प्रूव हुई है, जैसे कि बैलिनरीज, वायलिन बजाने वाले आर्टिस्ट, बास्केटबॉल प्लेयर या फिर किसी भी फील्ड के लोग। लेकिन अगर आप लंबे टाइम तक सेम चीज करोगे तो सक्सेस नहीं मिलेगी। आपकी स्किल में इंप्रूवमेंट आना जरूरी है। जब एक खास गोल हासिल हो जाए तो दूसरा गोल सेट कर लो और फिर एक और नया गोल। सक्सेसफुल लोगों को अपने वीक पॉइंट्स पता होते हैं और वो उन्हें दूर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो हार नहीं मानते और ना कभी सेटिस्फाई होते हैं। ये लोग अपनी परफॉर्मेंस में कोई ना कोई इंप्रूवमेंट करते रहते हैं। अगर आप इसका ग्राफ बनाएं तो पता चलेगा कि जो लोग अपने करियर की स्टार्टिंग में ही गिव अप कर लेते हैं वो अपनी स्किल्स में पीछे रह जाते हैं। हर रोज सेम चीज रिपीट करने वाले भी इंप्रूव नहीं करते, मगर वर्ल्ड क्लास एक्सपर्ट अपनी स्किल्स में लगातार इंप्रूवमेंट लाते रहते हैं। यही सक्सेस का आइडिया पाथ है। प्रोफेसर एंडर्स एरिक्सन एक साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने वर्ल्ड क्लास अचीवर्स को काफी करीब से स्टडी किया है। सर, मैं रोज सुबह 1 घंटा जॉगिंग करती हूँ लेकिन मेरी परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं हो रही है। मेरा सपना है कि मैं ओलंपिक्स में जाऊं। प्रोफेसर एरिक्सन ने उनसे पूछा, क्या जॉगिंग करते वक्त तुम्हारा कोई खास टारगेट होता है? उसने कहा, फिट और हेल्दी रहने के लिए। तो प्रोफेसर ने कहा, जब तुम रनिंग करती हो तो एक फिनिश टाइम या डिस्टेंस का टारगेट रखो। तुम्हारे अंदर कोई स्पेसिफिक क्वालिटी होनी चाहिए जिसे तुम इंप्रूव कर सको। फिर उन्होंने उस लेडी से पूछा कि वो रनिंग करते वक्त क्या सोचती है। तो उसने कहा, कभी कभी मैं अपने दिन भर के कामों के बारे में सोचती हूँ या फिर डिनर के लिए क्या बनाऊंगी ये सोचती हूँ। प्रोफेसर ने कहा, तुम्हें अपनी प्रोग्रेस का ट्रैक रखना होगा, अपने डेली के डिस्टेंस, पेस, हार्ट रेट और इंटरवल्स का रिकॉर्ड रखना स्टार्ट कर दो। अगर तुम रोज सेम तरीके से रनिंग करोगी तो कभी इंप्रूवमेंट नहीं कर पाओगी। केविन दुरंत को अकेले प्रैक्टिस करना पसंद था ताकि वो अपने वीक पॉइंट्स पर फोकस कर सके। दुरंत कहते हैं कि हर प्रैक्टिस में वो अपनी परफॉर्मेंस का हर किस्सा परफेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट चैप्टर है पर्पस। दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उनके पास एक पर्पस होता है जो उनकी खुद की लाइफ से बड़ा होता है। पर्पस वो डिजायर है जो दूसरों की वेलबींग को इम्प्रूव करे। कोई भी सक्सेस जर्नी एक इंटरेस्ट के साथ स्टार्ट होती है, यानी एक ऐसा काम ढूंढना जो आप इंजॉय कर सकें। अगली स्टेज है प्रैक्टिस और सेल्फ डिसिप्लिन। अपना करियर कभी मत छोड़ो चाहे कितनी भी मुश्किलें आए। और फाइनल स्टेज है पर्पज। आप जो भी करते हैं उसका एक ग्रेट पर्पज तो होना ही चाहिए। आपको ये भी देखना है कि आपके पर्पज से दूसरों का कितना भला हो रहा है। आप इसे ईंट बिछाने वालों की स्टोरी से समझ सकते हैं। 3 ब्रिकलेयर्स धूप में काम कर रहे थे, तभी एक अजनबी आया और उनसे पूछा, तुम लोग क्या कर रहे हो? पहले ब्रिकलेयर ने जवाब दिया, मैं ईंटें बिछा रहा हूं। दूसरे ने कहा, मैं एक चर्च बना रहा हूं। तीसरे ने बोला, मैं भगवान का घर बना रहा हूं। तो बात यह है कि पहले ब्रिकलेयर के लिए ये सिर्फ एक जॉब है, ईंटें बिछाना उसका काम है और वो इस काम को इसी तरह देखता है। दूसरे के लिए ये एक करियर है, मगर तीसरे वाले के लिए एक पैशन।
वो इस काम को अपना हाई पर्पस मानकर करता है। इसीलिए जो लोग अपने काम में कोई पर्पस ढूंढ लेते हैं वो औरों के मुकाबले ज्यादा सक्सेसफुल हो जाते हैं। यही लोग अपने काम से हमेशा खुश रहते हैं। सिर्फ काम में ही नहीं बल्कि लाइफ के हर फील्ड में ये खुश रहते हैं। ये लोग इस दुनिया को एक बेटर प्लेस बनाने की कोशिश करते हैं, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। तो आपके पास क्या है? आपका काम आपका सिर्फ जॉब है या करियर या पैशन? क्या आप सिर्फ पैसे कमाने के लिए काम करते हैं? क्या आप प्रमोशन के लिए काम करते हैं या आप औरों की लाइफ को बेटर बनाने के लिए काम करते हैं? इस बात को आप इस स्टोरी से समझ जाएंगे। जैन गोल्डन एक म्यूरल आर्टिस्ट है। वो जब 29 साल की थी तो उसे पता चला कि उसे लूपस कैंसर है। डॉक्टर ने उसे बोल दिया था कि उसके पास अब ज्यादा टाइम नहीं है। जैन इस खबर से बुरी तरह हिल गई थी, लेकिन उसने डिसाइड किया कि कैंसर की वजह से वो जीना नहीं छोड़ेंगी। वो अपने होम टाउन चली गई और वहां एक लोकल एंटी ग्रेविटी प्रोग्राम में हिस्सा ले लिया। अगले 30 सालों में जैन ने इस प्रोग्राम को वहां से सबसे बड़े आर्ट इनिशिएटिव्स में बदल दिया था। जैन अब 60 साल की हो चुकी हैं और काफी जिंदा दिल हैं। वो पूरे हफ्ते दिन रात काम करती हैं। उसे अपने काम से प्यार है। जैन अपनी कम्युनिटी के लोगों को म्यूरल पेंटिंग सिखाती हैं। हालांकि लूपस अटैक उसे अभी भी आते हैं, उसे काफी पेन होता है, लेकिन जैन दुखी रहकर जीने में यकीन नहीं रखती। वो पूरे जोश के साथ अपना काम करती हैं और दूसरों को भी मोटिवेट करती हैं। जैन लोगों को आर्ट सिखाकर एक तरह से उनकी हेल्प करती हैं, क्योंकि जैन को लगता है आर्ट सेव्स लाइव्स, यानी आर्ट जिंदगी बचाता है। दोस्तों अब वक्त है इस बुक समरी के कंक्लूजन का। ग्रिट है पैशन और प्रिजर्वेंस, यानी आपको वो करना जो आपको दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद है और उसके बारे में जानना। ग्रिट का मतलब है अपनी लिमिट्स को पुश करना। आप हमेशा खुद को लिमिट में बांध लेते हैं और अपने सपनों तक कभी भी नहीं पहुंच पाते। लेकिन अपनी कमजोरियों को अपने रास्ते की रुकावट मत बनने दो, खुद को ही चैलेंज दो। याद रखो, जो इंसान खुद की कमियों को जानता है वही उन्हें दूर कर सकता है। अब जबकि आप जान चुके हैं कि वर्ल्ड क्लास बनने के लिए सिर्फ टैलेंट ही नहीं बल्कि प्रैक्टिस की भी जरूरत पड़ती है, और आपको 10,000 घंटे की प्रैक्टिस की जरूरत है जिससे आपके अंदर लगातार इंप्रूवमेंट होता चला जाएगा, और इसके लिए आपके पास कोई हाई पर्पज होना चाहिए। एक कहावत है कि जब जागो तब सवेरा, इसीलिए अभी भी कोई देर नहीं हुई है। अपना गोल्स और प्रिजर्वेंस ढूंढो और चाहे जो कुछ हो अपनी ग्रिट कभी मत छोड़ो। दोस्तों इसी तरह की ऑडियो बुक समरीज के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए।